मास्टर्स, अब हम अपना हमारा टॉपिक है फॉरगिवनेस, क्षमा का महत्व। तो आज हम इसके बारे में समझेंगे। तो मैं यहाँ जितने लोग जुड़े हुए हैं उनसे एक प्रश्न करूंगी, अगर कोई जवाब देना चाहेंगे तो अपना हैंड रेस करें कि क्षमा क्या होती है। कोई बोलना चाहेंगे? चलिए, तो आज हम अपने टॉपिक की ओर चलते हैं, क्षमा। जी नमस्कार जी जी नमस्कार। जी। क्षमा का अर्थ होता है कि उसके प्रति अपने दिल में किसी प्रकार का नकारात्मक एनर्जी नहीं रख। ठीक है। और जी सीमा जी ने कहा है कि वो अपने आप को अनम्यूट नहीं कर पा रही हैं। जी सीमा जी, आपका कैमरा ऑन करें, मैं आपको करें। आप मेरी आवाज सुन पा रही हैं? चलो, तो क्षमा क्या होती है? हम आपने बताया कि क्षमा हम हमें करना चाहिए। रमेश जी कुछ कहना चाहेंगे? रमेश जी ने अपना कैमरा ऑन किया। चलिए, तो जब हमारे अंदर प्रश्न उठता है हमें क्षमा करना है, कहते हैं ना क्षमा कर दो, हम कहते हैं हम क्यों करें किसी को क्षमा, किससे क्षमा मांगनी है, क्या होगा क्षमा करके, बहुत सारे प्रश्नों के आज हम उत्तर जानेंगे। तो जो भी हमारी लाइफ में हुआ है, यानी हमने किसी ने कुछ गलत कहा, किसी ने हमें धोखा दे दिया, हम उससे नाराज हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, हमारा दिल टूट जाता है, भाई उसने हमारे साथ ऐसे कह दिया, मेरे साथ उसने ऐसा धोखा क्यों दिया, मैंने तो उसके साथ हमेशा अच्छा किया था। तो जब इन चीजों से हम परेशान हो जाते हैं और जब हम इन चीजों को लेट गो कर देते हैं, कोई बात नहीं छोड़ दो, हमें आगे बढ़ना होता है, तो उसको हम क्षमा कहते हैं। तो मैं अपनी पीपीटी के साथ आपको इन चीजों को कुछ क्लियर करना चाहूंगी। फॉरगिवनेस, क्षमा, यानी हमने अपने आप को जब कितनी बातों से रोक लिया है, उन बेड़ियों में बांध रखा है, और जब हम उनसे छूटना चाहते हैं कि हमको लेट गो कर देना है, हमको खुद को स्वतंत्र करना है, तो वो क्षमा करके ही हम उनसे बाहर निकल सकते। तो हमारे जीवन में जब किसी ने कुछ अपशब्द कहा, कुछ गलत किया, हम दुखी हो गए, परेशान हो गए, और हमने उन बातों को पकड़ के रखा है कि सामने वाले ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, है ना, हम उनको याद करते हैं तो हमें कितना गुस्सा आ जाता है, कितना अंदर से उसके नाम को, नाम याद आते ही हमको ऐसा लगता है कि आज ही हम उसको मार देंगे, गला दबा देंगे, उसे लड़ लेंगे, है ना, उसके प्रति हमारे अंदर कितनी नेगेटिविटी आने लगती है। तो लेकिन जब हम उन चीजों को छोड़ देते हैं तो उसको क्षमा करते हैं। अगर हम एक छोटा सा, अगर आप ऐसे भी देख सकते हैं, अगर आपके हाथ में कोई आसपास में पेंसिल रखती है, पेन रखा है, या पानी की बोतल हो, तो आप उसको पकड़ के देखें कि आप उसको कितनी देर पकड़ सकते हैं, है ना, थोड़ी देर के लिए आप उसको पकड़ेंगे, आप ज्यादा देर पकड़ नहीं सकेंगे किसी चीज को। ऐसा लगेगा थोड़ी देर के बाद, अरे छोड़ो मेरे हाथों में दर्द हो रहा है, या आपने एक हाथ में एक डोरी भी बांध के देखेंगे तो आप थोड़ी देर के बाद आपको लगेगा आपके हाथ में निशान पड़ गया, दाग बन जाता है उसमें, है ना, क्यों, क्योंकि वहां पे खून रुकने लगता है, पहले दाग बनेगा, खून रुक रुक जाएगा, हमें परेशानी होने लगेगी, हमें दर्द होने लगेगा, हमारा ब्लड फ्लो रुक जाएगा, तो हमारे शरीर में दाग हो जाते हैं। तो हम, हमारी जो फिजिकल बॉडी है, ये तो हम देख सकते हैं कि इसमें दाग हो गया है, लेकिन जब हमने जिन बातों को रोक रखा है, जिनकी वजह से हम दुखी हैं, जिन पे हम गुस्सा कर रहे हैं, वो हमारे अंदर कहाँ जमा हो रही है, तो हम उसको समझेंगे शरीर को। आपने समझा होगा कि हमारी, हम जो फिजिकल बॉडी है, हम अपने आप को दर्पण में देखते हैं, खुद को देखते हैं, हम अपने आप को सजाते हैं, तैयार करते हैं कि हम फिजिकल बॉडी, लेकिन जब हमने इतने सिनों से हमने ये ज्ञान लिया है कि हम एक शरीर नहीं है, हम सात शरीर हैं, तो अपने हम जब सेवन बॉडीज को जानने के बाद हमको पता चलता है कि हमारी इमोशनल बॉडी है, हमारे इथरिक बॉडी है, हमारी मेंटल बॉडी है, तो ये हमारी जो इतनी एनर्जी बॉडीज हैं, इनमें हमारे ब्लॉकेजेस आने लगते, क्योंकि हमने जब इमोशन हमने अपने रोक लिए,
किसी इमोशन को रोक लिया, किसी विचार से नेगेटिव विचार आ गया, उससे हमने अपने विचारों को रोक लिया, वो हमारी ब्लॉकेजेस बनने लगती है। तो ये इससे हमारे इन फिजिकल बॉडी पे बाद में रिप्रेजेंट होता है, हमारे इन शरीरों के ब्लॉक कहीं से किसी का शायद अनम्यूट है, म्यूट कर ले मास्टर सब लोग से। हाँ ये तो ये हमारी बॉडी के ऊपर जब ये इफेक्ट होता है, ये हमारी एनर्जी बॉडीज पे असर पड़ने लगता है इनका। तो हमारे इमोशन कहाँ पे रहते हैं? इमोशनल बॉडी में। और हमारी जो एनर्जी बॉडीज हैं, हम जो भी सोचते हैं, महसूस करते हैं, हमारी भावनाएं हैं और हमारी सब इसमें जमा होती रहती है। हमारी भावना है, हमारा इमोशनल बॉडी है, इसमें हमारी भावनाएं रहती हैं। तो ये सभी जब हमें कोई गुस्सा किया, हमने किसी बात को अपने अंदर जमा कर लिया, तो ये ब्लॉक हो जाते हैं, इसमें ब्लॉकेजेस आने लगती हैं। और फिर ये ब्लॉकेजेस क्या होती है, धीरे धीरे हमारे शरीर पे दिखती है। और हमारे शरीर पे किस तरह से दिखती है? बीमारी के रूप में, या हमारी कोई तकलीफ आएगी, हमको कोई ऐसा फीलिंग आएगा कि हमको दिक्कत आ रही है, तो हमको धीरे धीरे हमारा शरीर रिप्रेजेंट करता है कि हमने किसी इमोशन को, किसी बात को, किसी थॉट को अपने अंदर दबा रखा है। तो ये हम जब कहते हैं ना हमारे शरीर में तकलीफ आ रही है, तो यू कैन हील योर बॉडी, आपने जो अपने लुई हे की बुक पढ़ी होगी उसमें भी उन्होंने सारा सिर्फ इमोशन और थॉट्स पे ही अपने आप को क्लियर किया है कि हम बीमार होते हैं, तो अगर उस पर काम करें तो हम ठीक हो सकते हैं। तो जब हम ये प्रैक्टिकल करते हैं, तो जब हमें समझ में आया कि हमने अपने अंदर क्या क्या जमा कर रखा है, कितना कूड़ा, जैसे डस्टबिन होता है ना, उसमें हम भरते जाते हैं अपने शरीर में, अपने दिमाग में, कितनी बातें हमारे सारे दिन दिमाग में चलती हैं। तो हमने, हमारा शरीर तो ज्यादा देर पकड़ नहीं सकता किसी चीज को, हम थोड़ी देर में थक जाते हैं कि हमारा ब्रेन है वो बोलने लगता है थक गए हो, हमारी नर्व्स बता देती हैं क्योंकि सेंसेशन के कारण हमको सब समझ में आता है। लेकिन हमारे जो अंदर की बॉडीज हैं, जो हमारी एनर्जी बॉडीज है, ये कुछ नहीं कहती हैं, ये अपने अंदर जमती है। जब हम जब किसी चीज को छोड़ देते हैं, तो हमें समझ में आता है कि हमारे हाथ में दर्द हो रहा है, लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि हमने अपने अंदर बॉडीज में क्या रखा? तो हमें सामने वाले को, हम कुछ नहीं पता होता है हमें, सामने वाला तो कुछ कह के चला गया और हमने उसकी बात को पकड़ के रखा है। कब तक पकड़ के रखते हैं हम? आज कोई बात हो गई, एक दिन, 7 दिन, महीना, साल, पूरा जीवन, हम एक जीवन निकाल देते किसी एक बात में। आज हमें किसी बात पर गुस्सा आ रहा है, तो हमें ऐसा लगता है हम अभी उसको थप्पड़ मार दे जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने उस बात को इतना पकड़ के, गहरा पकड़ के अपने अंदर दबा रखा है, होल्ड करके रख रखा है उसको। और जैसे ही हमारे हम किसी चीज को होल्ड कर लेते हैं, तो हमारी प्रॉब्लम हमको समझ में आने लगती है। तो जैसे ही हम किसी को माफ करते हैं, तो क्या होता है, हमारा एनर्जी फील्ड चेंज होने लगता है। जो हमने जिसको रोका था, वो हम उसको रिलीज कर देते हैं, और हमने अपना एनर्जी चेंज की, क्योंकि हम वी ऑल आर एनर्जी बीइंग। जैसे ही हम अपना एनर्जी चेंज करते हैं कि नहीं ठीक है, उसको माफ कर दो, छोड़ दो, कोई बात नहीं, उसने किया, उसका अपना होगा, कोई कारण होगा, तो हमारा हार्ट चक्रा बड़ा होने लगता है, हमारा एनर्जी फील्ड चेंज होने लगता है, और इससे हमारे अंदर ही परिवर्तन आता है। तो हम आगे जानेंगे कि अपने, हमें मन को समझाना होता है, कैसे हम कहते हैं हम, भाई हम क्यों करें, हमको माफ करने की क्या जरूरत पड़ी है? तो अपने मन को बोलना होता है, कई बार हमसे इतना आसान नहीं होता है माफ करना, बहुत मुश्किल होता है। हम क्यों माफ करें, क्या जरूरत है, उसने ऐसा किया है, मैं क्यों उसको माफ करूं, मैं तो बदला ही लूंगी, मैं तो बोले बिना रह नहीं सकती। हमें खुद को समझाना होता है, बोलना होता है, अरे छोड़ो, किसी ने कुछ कह दिया होगा, उसकी अपनी भावनाओं के कारण होगा, उसका कोई इमोशन होगा, उसका कोई बिलीफ सिस्टम होगा, उसका अपना बचपन का कोई ऐसा बात होगा जिसकी वजह से वो इस तरह से मुझसे कह रहा है। तो जब हम अपने आप को इस तरह से किसी बात से समझाते हैं, तभी हम उससे निकल सकते हैं, नहीं तो हम नहीं निकल सकते। कि हमने अपने बिलीफ सिस्टम से, अपने जैसे हमारे समाज ने हमसे कहा, हम उनसे हमने अपने आप को रोक रखा है। तो जब हम अपना नजरिया बदलते हैं कि हम अपनी भावना किसी कारण से हुआ होगा, या तभी हम इसके कर सकते हैं, नहीं तो ये हमारी जिम्मेदारी है, हमें खुद को बदलना हमारी जिम्मेदारी है, कोई और इसका जिम्मेदार नहीं है। मैंने अगर अपने घर में गंदगी जमा कर रखी है, मैंने अपने दिमाग में कूड़ा भर रखा है, तो सफाई कौन करेगा? मुझे ही करना पड़ेगा। आपके घर की सफाई तो आप ही करोगे, आपके दिमाग में कूड़ा अगर आपने भरा है, किसी के प्रति गलत सोचा है, वो तो आपको ही सफाई करनी है। आपके घर में अगर गंदगी है, तो आप करोगे साफ? नहीं करते हैं आज हम गंदगी की सफाई, तो क्या होता है, बदबू आने लगती है, सड़ने लगता है। आज मौसम देखिए कैसे, थोड़ा सा भी गर्मी के मौसम हो, बरसात का मौसम आ गया है, थोड़ा सा भी अगर कोई चीज कहीं कोने में रखी रह जाए, कितनी जल्दी सड़ जाती है। तो हमारे अंदर अगर कोई चीज हमने पकड़ के रखी है सालों से, तो वो भी सड़ने लगती है, वो भी बीमारी बन के बाहर आती है। तो हमको खुद को समझाना पड़ता है, मनाना पड़ता है
उसको कहना पड़ता है लेट गो करो, नहीं तो मेरा ऊर्जा क्षेत्र खराब हो जाएगा, मेरे शरीर पे बीमारी आ जाएगी, मैं क्यों ऐसा करूं। उसको जैसे बच्चे को समझाते हैं ना, ठीक है मान जाओ, तो ऐसे हमें अपने मन को भी समझाना पड़ता है। मानता नहीं है मन, इतना आसानी से नहीं मानता, बार बार वो उसको याद करेगा कि हमारे सबकॉन्शियस में जब वो जमा हो रहा है। तो ऐसे ही हमें, जब मैं समझूंगी नहीं मुझे स्वस्थ रहना है, मुझे अपने लिए, मुझे बीमार नहीं होना है, मुझे गलती को भूल जाना है, ठीक है कोई बात हो गई होगी, मैं अपने आप को ठीक रखना चाहता हूँ, मुझे अपने आप को अच्छा रखना है, तो इस कारण से ही हम अपने आप को, तभी हम आसानी से उस चीज से निकल सकते हैं। तो कहते हैं फॉरगेट द मिस्टेक रिमेम्बर द लेसन। अगर कोई ऐसा हुआ है तो वहां आपको ये देखना है कि कुछ हो रहा है, कोई आपके साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो वहां आपको कोई लेसन लेना है, वहां आपको क्या सीखना है, और आप उस चीज को आसानी से वहां से फॉरगेट करके निकल सकते हैं। तो आगे हम अपने इसको और अगली पीपीटी से जानेंगे। कि कितनी पुरानी पुरानी बातें होती हैं हमारे अंदर, हमने अपनी जमा कर ली, तो अब हम जब अपने अंदर रखते हैं तो क्या होता है, हमारे अंदर बीमारी आने लगती है। यहाँ कोई भी ऐसा हो, जैसे कोई कह सकता, किसी ना किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, किसी के पेन है, या आजकल कितना कॉमन हो गया हर घर में डायबिटीज और बीपी है ना, इस तरह के घुटने में दर्द हो रहे हैं, कोई कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, कोई भी बीमारी है, गुस्से को दबा कर रखा है ना, हाथों में हमारे कोई अचानक से ऐसा लगने लगता है मेरे हाथों में पेन हो रहा है, मेरे कंधे में दर्द हो रहा है, अचानक से हमें लगता है, तो हमें क्या करना होता है, हमें देखना होता है कि मैंने अपना कौन सा इमोशन, कौन सा थॉट अपने अंदर दबा के रखा है। ये सब बीमारियां उसी कारण से हमारे अंदर आती है, कोई पास्ट का ऐसा हो दुख से, कोई दुख हो हमारे अंदर, कोई हमारे अपने रिश्तेदारों से, हम अपने बच्चों से भी नाराज हो जाते हैं, हम अपने पेरेंट्स से नाराज हो जाते हैं, या अपने किसी ने कुछ कह दिया वही बातों से हम रोक रखे हैं, हमारे दिल में इतना तकलीफ होता है। तो ये सब बीमारी जो होती है हमारी एनर्जी बॉडी में पहले आती है, फिर उसके बाद हमारे शरीर पे दिखती है। तो जब हम माफ नहीं करते हैं, हम शिकायत करते हैं, गुस्सा नफरत सब बद्दुआ देते हैं, उसने मेरे साथ ऐसा किया वो भी भोगेगा, हम कितनी आसानी से किसी को बद्दुआ देते हैं। तो ये सब भी जो बद्दुआ होती है, यानी हमने किसी को जैसी एनर्जी भेजी हमको वैसा मिलता है, कि हमने कर्म सिद्धांत में भी समझा कि हम जैसे कर्म करते हैं, जैसे विचार रखते हैं, सिर्फ ऐसा नहीं है हमने किसी के साथ हाथों से किया या बोल के किया, हमने अगर विचार भी किसी के प्रति अगर लाए वो भी हमारा कर्म है। तो कितनी कितनी बातें ऐसी हैं, हम जब उनको बैठ के सोचेंगे ना तो मास्टर्स हम खुद को हील कर पाएंगे। तो इन सब से हमको हील होना आता है। अगर आपकी लाइफ में भी कोई चुनौती ऐसी आई है, बीमारी है, तो देखें इसका कारण कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने किसी को माफ नहीं किया हो, या आपने अपने गुस्से को दबा कर रखा हो। तो गुस्से को, उसे बात को मन से निकालते ही, माफ करते ही हम ठीक होने लगे और वो बीमारी भी चली जाती है। और अगर ऐसा नहीं है एक दिन में वो, हम चाहेंगे हमने एक बार कर दिया, हमको उसको पूरी तरह से अपने बार बार कई बार हमको करना होता है, क्योंकि हमने कितने अंदर दबाई हुई है उसको, धीरे धीरे उसको कंटिन्यू, एक ये भी प्रोसेस होता है कि हमको फॉरगिवनेस भी, जब तक हम उससे हील नहीं हो जाते हैं, हमें करनी होती है। तो व्हेन अ डीप इंजरी इज डन टू अस वी नेवर रिकवर अंटिल वी फॉरगिव, यानी हम जब तक किसी को माफ नहीं करते हैं, हम उससे, उस जो बीमारी है कोई तकलीफ है, हम उससे निकल नहीं सकते। हार्डेस्ट थिंग इन लाइफ इज टू फॉरगिव, सबसे ज्यादा मुश्किल होता है फॉरगिव करना, और बट हेट इज सेल्फ डिस्ट्रक्टिव, और हम हेट करते हैं किसी को, हम खुद का नुकसान करते हैं, किसी दूसरे का नुकसान नहीं कर सकते हैं। इफ यू हेट समबडी यू आर नॉट हर्टिंग द पर्सन, आप अगर किसी को किसी से जलन कर रहे हैं, किसी पर तकलीफ दे रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, तो आप खुद को कर रहे हैं, खुद को। फॉरगिवनेस इज हीलिंग, यानी हमको माफ कर देना चाहिए, वही एक तरीका है, सबसे अच्छा तरीका है किसी को माफ कर देना। तो हम अपने, जब भी देखें अपने आप को कि हमारे अंदर क्या चल रहा है, हमारे दिमाग में, न्यूरो साइंस भी यही कहती है, रिसर्च कहती है कि अगर आपने अपने अंदर नाराजगी नफरत गुस्सा स्टोर करके रखा है, तो वो आपका खुद का है, बहुत पेनफुल होता है। यानी अगर आपके अंदर उस गुस्से को आपने जो दबाया है वो एक हेड इंजरी के बराबर है, यानी हम सोचते हैं कि हमने अंदर दबाया है हमें पता नहीं चल रहा है, वो हमारे दिमाग को कितनी तरह से इंजरी से भी ज्यादा बड़ा हो, तो हमारे सिर का एक हिस्सा ऑक्यूपाई कर लेता है, यानी वो बार बार बात कर करके हम अपने मन को और शरीर को कितना नुकसान पहुंचाते हैं। तो फॉरगिव करने से हमारा इम्यून सिस्टम अच्छा होता है, एक्टिव हो जाते हैं हम, एक्टिवेट हो जाता है हमारा इम्यून सिस्टम, फिर
हम जैसे ही हील करते हैं हमारी इम्यूनिटी बढ़ने लगती है, नहीं तो हम बीमार बने रहते हैं, टेंशन में रहते हैं। कई बार आप खुद को फील करें कि कोई ऐसा नेगेटिव थॉट भी हमारे अंदर आता है, हमारा शरीर अच्छा है लेकिन हमारा उठने का मन नहीं कर रहा है, पड़े रहते हैं, अलसाए रहते हैं। क्यों? क्योंकि हम विचारों में उलझे रहते हैं। तो फॉरगिव करने से हमें बहुत सारी बीमारियों से, मेंटल हेल्थ है जैसे डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, स्ट्रेस है, टेंशन से, हम इन सब चीजों से भी हम फिर सफर कर जाते हैं। हम सभी थोड़ा थोड़ा हम सभी थोड़ा थोड़ा टेंशन में रहते हैं। मास्टर आप नोटिस करें, हम सभी की लाइफ में थोड़ा बहुत तो है, थोड़ा बहुत तो हमें आगे बढ़ने के लिए चाहिए, लेकिन कितना हम कितना हमने अपने जीवन में कितना टेंशन भर रखा है। आज किसी बच्चे से भी पूछेंगे तो मैं तो बहुत टेंशन में हूँ, मैं पढ़ाई का टेंशन है, माँ बाप परेशान है उनके लिए। तो हर तरह से हम कोई ना कोई लाइफ में सभी परेशान, और हमको क्या करना है, फिर हम उनसे निजात पा सकते हैं। हमारी इमोशनली फॉरगिवनेस से क्या होता है, हमारी इमोशनली, मेंटली और स्पिरिचुअली, फिजिकली, सब तरह से हमारी हीलिंग हो। तो दूसरों को जब हम कभी भी देखते हैं ना कि हम किसी को अगर माफ नहीं कर पाते हैं, तो हम ये हमें किसी दूसरे के अंदर कोई कमी दिखती है ना, अरे वो तो ऐसा है, हमें दूसरे के अंदर दिखता है उसके अंदर बहुत गुस्सा है, या वो तो बहुत अड़ियल आदमी है, तो देखना चाहिए कहीं आप वो खुद तो नहीं हो, क्योंकि हमारे अंदर ही वो जो हम दूसरों में देख रहे हैं वो खुद मिरर है, यानी वो जो हम दूसरों में देख रहे हैं वो हमारे अंदर है। तो हम जब उसको माफ कर देते हैं तो वो खुद ब खुद हमारे अंदर से भी निकल जाता है। तो ये चीजें बहुत आसानी से हम इनको समझ सकते हैं। और परिस्थितियों को माफ करें, यानी अगर कोई ऐसी परिस्थिति आई है आपके जीवन में, यानी आपको कोई परेशानी है, आपको तकलीफ हो रही है, आप उसमें उलझ गए हैं, है ना, तो क्या होगा, फिर माफ करेंगे आप। जैसे ही उस परिस्थिति को माफ करते हैं हम हैप्पी और प्लेजेंट फील करने लगते हैं, हमारी वाइब्रेशन चेंज हो जाती है ना। फॉरगिव करने से क्या होता है, हमारी लाइफ में हैप्पीनेस आती है। तो हम लाइफ में क्या चाहते हैं मास्टर्स, हम सभी क्या चाहते हैं मास्टर्स? तो हम सब चाहते हैं हमारे घर में शांति हो, हमारे मन खुश रहे, हमारे रिश्ते अच्छे हों। सब हम एक दूसरे से यही चाहते हैं कि हमारे अच्छे तरह से हम जीवन जिए, जीवन हम जीने आए हैं, सब कुछ हो हमारे जीवन में, खुशियां हो, लेकिन दुख कोई नहीं चाहता। तो दुख आता इसीलिए क्योंकि हमने कुछ अपने अंदर रख रखा है। तो हम जब तक माफ नहीं करते हैं तो हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, और जब हम माफ करते हैं दूसरों को तो हम बहुत जल्दी आगे बढ़ते हैं, हम अपने आप को उस बंधन से मुक्त कर देते हैं। तो अगर आप नहीं माफ करेंगे तो आप उसी में अटके रहेंगे। हमें क्या करना है, खुद को भी माफ करना चाहिए, अपने आप को भी हमें माफ करना है, तो स्वयं को भी माफ करें। हम सबके अंदर वो क्षमता है, हम सब पूर्ण है, हमारे अंदर वो क्षमता है। तो फॉरगिव योर सेल्फ फॉर द बैड डिसीजन, फॉर द टाइम यू लैक अंडरस्टैंडिंग, फॉर द चॉइसेस दैट हर्ट अदर्स एंड योर सेल्फ। आपने कोई ऐसा डिसीजन ले लिया हो जिसके लिए आपको लगता हो, लेकिन वो उस समय वह ऐसा हमने जो किया हम उतने ही समझते थे, लेकिन आज हम अपने आप को भी और खुद को भी माफ करें और आगे बढ़ें। तो फॉरगिव करते ही हम वहां से निकल जाते हैं और अपने जीवन में हम हमारी ग्रोथ होने लगती है। तो जब हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, हम चेंज देखते हैं हमारे अंदर, खुद ब खुद हम अपने आप को माफ करते हैं। कई बार हम अड़ जाते हैं, मैं ही क्यों माफ करूं, मैंने ऐसा क्या किया है, वो भी तो मुझे कर सकता है, ऐसी भावना आ जाती है। कई बार हमारा ईगो आड़े आ जाता है, तो हम देखेंगे कि वो भी इस तरह की जर्नी पर है, उसको उतनी ही समझ है। तो ये सब जब हम माफ करते हैं तो हमारे अंदर, हमारी लाइफ में मिरेकुलस चेंजेस होने लगते हैं। तो जीसस ने भी कहा है, फादर फॉरगिव देम फॉर दे डू नॉट नो व्हाट दे आर डूइंग, कि उनको भी माफ करो, उनको माफ कर दो, उनको नहीं पता, उनको ज्ञान नहीं है उतना, तो इसलिए उनको माफ कर दो कि वो क्या कर रहे हैं अपने जीवन में। तो यूनिवर्स भी जानता है, यूनिवर्स सब कुछ समझता है, उसको पता है कि हमें क्या करना है, पूरा ब्रह्मांड हमारे साथ है। जब हम किसी से माफ मांगते हैं हमें भी वो शक्ति मिलने लगती है, हमारी शक्ति वापिस आने लगती है। किस भावनाओं के साथ आप उसको करते हैं ये मायने रखता है, यानी अगर आपने किसी को माफ किया है तो आपको ऐसा नहीं है ऊपर ऊपर से आप माफ करें, आपको सच्चे मन से माफ करना है, तभी आप उसका असर देख सकेंगे। बहुत पावरफुल होती है फॉरगिवनेस, क्योंकि हम स्पिरिचुअल अगर पाथ पे हैं तो हम आगे बढ़ सकेंगे, नहीं तो हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। हमारे जो लेसन है वो हम उनको नहीं सीख सकेंगे। यू कैन फॉरगेट अबाउट गेटिंग द हायर लेवल्स ऑफ अवेयरनेस, आपके अंदर जो हायर लेवल्स की जो अवेयरनेस है वो भी नहीं आएगी, क्योंकि आपको आप उन्हीं परेशानियों में उलझे रहोगे, आपको आपके इंट्यूशंस भी आप नहीं देख पाओगे, आपको मास्टर्स के मैसेज नहीं मिलेंगे,
जैसे ही आपको समझ में आता है कि हाँ मुझे आगे बढ़ना है, आप कर सकते, तो आप अपने आई फॉरगिव एवरी वन इंक्लूडिंग माई सेल्फ, आप इस तरह की अफर्मेशन भी कर सकते हैं, तो मैं स्वयं को भी और दूसरों को भी। तो ये हमें आगे बढ़ने में बहुत काम आते हैं। रात में सोने से पहले भी आप इस तरह की अफर्मेशन कर सकते हैं, सुबह भी कर सकते हैं, क्योंकि हमने पहले भी कई सेशन में सुना होगा, क्योंकि हम जब ध्यान करते हैं तो हमारे माइंड में कई तरह के अलग अलग वेव्स चलते हैं, राइट। तो सबकॉन्शियस माइंड में भी जब हमारा कनेक्शन उसी समय होता है, अल्फा वेव्स होती है, यानी हम हर समय तो सोचते रहते हैं, बीटा वेव्स में होते हैं। जैसे ही हम थोड़े से कूल होते हैं, हमारी अल्फा वेव्स होती है, तो हमारा कनेक्शन सबकॉन्शियस माइंड से होने लगता है। और वही मेडिटेशन के समय में भी जब हम कहते हैं ना हमारा, हम शांत हो रहे हैं, तो हम जैसे जैसे उस कॉन्शियसनेस अपने सबकॉन्शियस के द्वारा और यूनिवर्स से जब हम जुड़ते हैं, तो हम उस समय अगर फॉरगिव करें, ग्रेटिट्यूड करें, तो हम आसानी से उससे और आसानी से उनसे जुड़ जाते हैं। तो ये हमको फ्री कर देता है और धीरे धीरे ये इरेज होने लगते हैं, यानी हमारे सबकॉन्शियस में अगर बहुत डीप में भी होगा तो वो धीरे धीरे निकल जाता है। यानी मैं इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, बार बार हमको उनको बोलने रहने से, हमारी प्रैक्टिस करने से हम इससे निकल जाते हैं। तो फॉरगिवनेस समाज कैसे, अगर हम अपने आप को कई बार देखते हैं कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ, कई बार लोग इस तरह से कहते हैं मुझे बहुत मुश्किल हो रही है माफ करने में। सही बात है, नहीं कर सकते हैं, इतना आसान नहीं होता है, बहुत हमारे डीप होती है सबकॉन्शियस में, इतना डीप होता है कि हमको माफ करना बहुत मुश्किल होता है, इतना अंदर तक भरा रहता है, क्योंकि हमें बचपन से ऐसी कई चीजें हमको ऐसे सिखा दी जाती, समाज से, वातावरण से, हम लोग आसपास के लोगों से, हमारी स्कूलिंग की जाती है, हमें इस तरह की हमारी जो हमारा बचपन से हम बड़े होके निकल के आते हैं, हमें बहुत सारी हमारी कंडीशनिंग ऐसी हो जाती है, और हमारी बिलीफ सिस्टम है, कितने जन्मों जन्मों के हमारे बिलीफ सिस्टम के कारण हम इनको नहीं कर पाते। तो हमें हर मोमेंट में हिम्मत रखनी चाहिए। कोई कह देते हैं ना, अरे क्या जरूरत है तुमको माफ करने की, कोई जरूरत नहीं है, तुमको कमजोर हो क्या, तुमको क्या, तुम्हारे अंदर तुम कमजोर हो, माफ करने वाला कमजोर होता है, नहीं, तुमको हिम्मत रखनी है, गुस्सा कर लो, लड़ लो, जवाब दे दो, लेकिन माफ मत करना। तो इस तरह से हमको सिखाया जाता है, इससे क्या होता है, हमारे अंदर एक रेजिस्टेंस पैदा, यानी हम किसी चीज को आने से अपने अंदर रोक रहे हैं, या किसी के प्यार को रोक रहे हैं, कोई हमें प्यार भेज रहा है, हम उसके प्यार को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, और हम गुस्से में बैठे हैं। तो हमारी अपब्रिंगिंग जैसी होती है, हम वैसे ही हो जाते हैं, तो हम चाह कर भी फिर माफ नहीं कर पाते, गुस्सा आता है, हम इतना चिड़चिड़ाने लगते हैं, देखा ना, कभी कभी इतना गुस्सा आता है कि हमें खुद को नहीं पता हम गुस्सा कर रहे हैं, हम चिड़चिड़ाते हैं, क्यों, क्योंकि हमने उसको अपने अंदर रोक, वो किसी ने कुछ कह दिया तो कितनी जल्दी उसने मुझसे ऐसा क्यों कह दिया, गुस्सा आता है बहुत जोर से, मेरे को कैसे कोई कह सकता है, मैं छोड़ूंगा नहीं, उससे नाराज हो जाते हैं महीनों तक। तो इसमें नुकसान किसका है, आपका, हमारा, जो करेगा उसका नुकसान। वो फॉरगिव अदर्स नॉट बिकॉज दे डिजर्व फॉरगिवनेस, बट बिकॉज यू डिजर्व पीस, आपको खुद के लिए, अपनी शांति के लिए हमें माफ करना है। ये कहते हैं जो जहर हमारा ही नुकसान करता है, हम सोचते हैं सामने वाले को करेगा, बददुआ देंगे तो उसका बुरा होगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। क्या होता है कि हम जब ऐसे इमोशन, नेगेटिव इमोशन लाते हैं, हमारे अंदर नेगेटिविटी पड़ने लगती है, रिलेशनशिप में कड़वाहट आ जाती है, और फिर क्या होता है, हमारा कार्मिक अकाउंट चलता रहता है। अब हमने इस जन्म में कुछ कहा तो हमें अगले जन्म में उसका हिसाब पूरा करना पड़ेगा। तो जब भी कुछ ऐसा हो तो हम उसको क्या कहें, ब्लेस करते हैं, ब्लेस यू, ब्लेस हिम करें, ब्लेस अपने आप को भी ब्लेस करें, लेट गो कर दें, है ना। इस तरह से हमको अपने आप को वहां से हम निकाल सकते हैं। तो जीवन में खुशियां पाने के लिए मास्टर्स इसको अपनाएं, फॉरगिवनेस को, इसका बहुत बड़ा महत्व है। बुद्ध ने भी कहा है ये उपहार है हमारे लिए, फॉरगिवनेस एक बहुत बड़ा उपहार है। अगर हम पुरानी बातों से निकल जाते हैं, पुराने जो पिछले हमारे जो पास्ट में हमने जो किया है, तो हमने अपने जो दबा के रखा है, जो हमारे रिश्ते अच्छे हो जाते हैं उनसे, सबसे हम मुक्त हो जाते हैं, जो हमने अंदर है उसे बाहर निकाल दो, नहीं तो तुमको ही खत्म कर देगा, यानी जो हमने अपने अंदर दबा के रखा है वो हमें खत्म कर देगा, वो हम सड़ जाएंगे उसमें, हमारा जीवन बर्बाद हो जाएगा। लेकिन माफ कर रहे हैं, दूसरों को उतना ही जल्दी माफ करें जितना जल्दी हम भगवान से क्षमा चाहते हैं, यानी हम क्या चाहते हैं, हमने कोई गलती की तो हम भगवान से कहते हैं भगवान हमें माफ, कितनी जल्दी हम माफी चाहते हैं, भगवान हमें माफ, लेकिन हम नहीं कर पाते हैं दूसरों को। तो उन बेड़ियों को खोल दो, उनसे निकल जाओ बाहर, कोई कितनी भी गलती करे उसको छोड़ दो, नहीं जल्दी हम भगवान याद आने लगता है हमको। तो आज में जीना चाहिए हमको, इसको अपनाना है, फ्री हो जाए इससे। बुद्ध ने क्या कहा है कि लोगों को माफ कर दो क्योंकि वो
माफी के हकदार हैं, बल्कि इसलिए कि हम शांति के हकदार हैं, उन दूसरों के लिए नहीं कि वो माफी के हकदार हैं। हमें शांति चाहिए, हमें खुद के लिए जीवन अच्छा बनाना। तो ऐसे ही हमने और भी देखा है, महावीर भगवान, जैन धर्म में भी कहा गया है, क्योंकि जो भादो अभी आने वाले हैं, और उसमें भी इच्छामि दुक्कदम कहते हैं कि मनुष्य को हमेशा क्षमा और प्रेम का विचार अपना जीवन अपनाना चाहिए। क्योंकि इसीलिए कहा जाता है कि हमने पूरे साल भर में जो भी गलती की हो, हमने जो भी आपसे कुछ कहा हो, हमें उसके लिए माफ कर दें। ये इसीलिए बनाए जाते हैं क्योंकि हम अपने अंदर जो हमने दबा रखा है उससे खाली हो जाएं और अपने दूसरों को अच्छा करें। मास्टर्स, ये जो भी हर धर्म हमें एक ही बात कहता है, कोई अलग नहीं है, कोई भी ज्ञान दे रहे हैं, कोई भी जितने भी गुरु हैं, संत हैं, भगवान को हम मानते हैं, हर धर्म एक ही बात कहता है। जीसस ने भी कहा है, गुरु नानक ने भी कहा है, पत्री सर ने भी यही कहा, सब एक ही बात कहते हैं। तो मदर टेरेसा ने कहा, इफ वी रियली वॉन्ट टू लव, वी मस्ट लर्न हाउ टू फॉर। अगर हम किसी को प्यार करना चाहते हैं, प्यार पाना चाहते हैं, तो माफ करना सीखें। यहाँ पे भी इन्होंने भी यही कहा है, अगर हमें प्रेम चाहिए तो प्रेम देना होगा, पहले माफ करें, फिर स्वतः ही आपके कंपेशन आपके अंदर आ जाएगा, प्रेम आ जाएगा। क्योंकि हमारा मूल स्वभाव है, जो हमारी आत्मा है, जो हम आए हैं जहां से, हमारा मूल स्वभाव प्रेम करना ही है। लेकिन हम यहाँ पर धरती पे आए हैं तो क्या है, हम बस अपने इंसानी जीव शरीर में जो हमने जीवन जी रहे हैं, सिर्फ जो कुछ चंद सालों का हमारा जीवन में, हम इसमें भूल जाते हैं। लेकिन हमें अब स्पिरिचुअलिटी हमें सिखाती है कि हमारा मूल स्वभाव है प्रेम करना, हमें बार बार याद करना है। हमें हमारे कारणों से, हमारे ट्रिगर्स होते हैं, उनसे हम परेशान रहते हैं, किसी ने कुछ कह दिया, हम कितनी जल्दी गुस्सा आता है, क्योंकि हमने अंदर दबा के रखा हुआ है। आ रहा है आने दी, तो ध्यान के द्वारा धीरे धीरे, ध्यान हमें यही करता है, हमको क्लीन कर देता है, जो हमने अंदर अपने दबा रखा है वो सब हमारा धीरे धीरे बात। कई बार लोग ऐसे कहते हैं, हम ध्यान करते हैं फिर भी हमारे अंदर इस तरह से बार बार हमें गुस्सा आता है, क्योंकि आपके अंदर है वो बाहर आएगा, जो अंदर दबा हुआ है वो बाहर आएगा, आने दीजिए, निकल जाएगा, फिर वो सफाई हो जाएगी। तो इस तरह से हमको इसका अपनाना चाहिए अपने जीवन में। और पत्री सर ने हमें इतना सुंदर ये ध्यान, ज्ञान, स्वाध्याय, सज्जन सांगत, है ना, सेवा करना हमें सब बताया, उसके लिए हम धन्यवाद करेंगे। और एक होपोपोनो प्रेयर है, इसके बारे में आपको और जरूर शेयर करूंगी, क्योंकि ये भी हमें यही बताते हैं कि ये एक हवाइन प्रेयर है और ये हवाइन संस्कृति का हिस्सा रही है। इसका अर्थ है चीजों को सही करना, बिगड़ गई है जो, यानी उनके कोई रिश्ते ऐसे हैं जो उनके बिगड़ गए हैं, या उनके कोई अपनी जो अपने कोई कारण होता है, जैसे जिसकी वजह से उनके जीवन में तकलीफें आ रही हैं, उन सबको ठीक करना है, तो वो इस प्रेयर को अपनाते हैं। तो प्राचीन जो लोग थे वो अपने मतभेद हो गए हैं आपस में, उनको भी ठीक कर देते, लेकिन आज न्यू एज में इसको डॉक्टर ह्यूलिन ने इसको पॉपुलर कर दिया है। और उन्होंने एक मेंटल असाइलम में एक वार्ड के कुछ मरीज थे उसमें, उनके ऊपर इन्होंने इसका किया था, उनसे बिना मिले, उनसे मिले नहीं थे उस वार्ड के पेशेंट से, और वहां उन्होंने उनके इमोशन पे काम करके, जब उन्होंने इनकी फाइल देखी कि उनको इतनी प्रॉब्लम्स है, तो उन्होंने इनकी मानसिकता के बारे में सोचकर, उनके कॉन्शियस माइंड को उन्होंने प्रेयर से उन्होंने ठीक कर दिया। यानी हम यहाँ दूर से बैठे बैठे कि हम कैसे, कोई भी किसी को भी कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हम सभी एनर्जी लेवल पर एक ही हैं, हम अलग नहीं हैं, हम सभी एनर्जी बीइंग्स हैं, और हमारे इमोशंस पूरी तरह से, आज हम यहाँ से किसी से किसी के लिए कुछ सोचते हैं तो वो हम उसको फील कर पाते। तो जब हम इसको भेजें किसी एनर्जी को इस तरह से, या कोई प्रेयर करें, तो इसमें 100% हमें पूरी तरह से अपना देना चाहिए। और इसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, यानी हमने, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब होता है कि आप जैसा भेजेंगे वैसा ही आपको वापस मिलेगा। तो यहाँ ये यही बताते हैं कि एक, अगर हम इस प्रेयर को किसी के लिए यूज करते हैं, आई एम सॉरी, फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, ये चार शब्द हैं इसके, और ये मैजिक की तरह काम करते हैं, ये फोर सेंटेंस होते हैं। अगर हम इनको यूज करते हैं तो ये एकदम चमत्कार लगेगा, आपको लगेगा मेरे जीवन में एकदम परिवर्तन आ गया, क्योंकि हमने किसी के लिए प्यार भेजा, माफी भी मांग ली, उसको धन्यवाद भी कहा, क्योंकि वो सिचुएशन आई है, आपने उस बंदे को जो आपको वो कुछ लेसन सिखाने आ रहा है, आपने उसको धन्यवाद कहा, उसने आपने उसके लिए प्रेम भेजा, यानी आपने लव वाइब्रेशन उसके लिए भेज दिया, आई लव यू कहा। तो ये जो चार शब्द हैं बहुत ही पावरफुल हैं, अगर हम इनको अपनाते हैं हमारी लाइफ में मिरेकुलस चेंजेस आने लगते हैं। तो पूरी फीलिंग के साथ हमको बोलना होता है, और पॉजिटिव वाइब्रेशन, क्योंकि ये सारे पॉजिटिव वर्ड्स हैं, इनको अगर हम यूज करते हैं तो पॉजिटिव वाइब्रेशन मतलब, और कहीं भी अगर थोड़ी बहुत आपके अंदर नेगेटिविटी अगर होती है,
तो पूरी तरह से वो साफ हो जाती है, काम करने लगता है। और फिर आप जब किसी को आई लव यू बोलोगे, थैंक यू बोलोगे, तो आपके अंदर भी वो फीलिंग आने लगेगी। जो सॉरी करोगे या आपने क्या किया, आपके अंदर गिल्ट नहीं आता। आपने किसी को सॉरी बोला तो क्या होता है, हम गिल्ट में आ जाते हैं। नहीं, हमें गिल्ट में नहीं आना है, क्योंकि गिल्ट इज ए नेगेटिव इमोशन। तो हमें इसके फर्क को समझना चाहिए। सॉरी बोलते हैं तो मन साफ रहता है, और कोई भी हमें इस तरह की नेगेटिविटी नहीं आनी चाहिए। तो इस तरह से हम इसको बार बार जब रिपीट करते हैं, रिपीट करके बार बार कुछ कहते हैं, तो इसका बहुत महत्व होता है। तो इस तरह से ये हम इसको अपना सकते हैं अपने इस प्रेयर को, और 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। यानी मैंने किसी को अगर कुछ कहा है तो मैं इसकी जिम्मेदार हूँ, मैं पूरी तरह से करते हैं। और घर में अगर कोई चिंता है, बीमारी है, उनके लिए भी जैसे आज आप अगर करते हैं, तो उनको आप उनकी नेगेटिविटी को नहीं बोलेंगे, आप उनको पॉजिटिविटी के साथ उनको बोल सकते हैं। तो इससे हमारे बहुत सारे फायदे होते हैं। यानी हमारी एक तो हम उस सिचुएशन से निकल जाते हैं, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, और आप अपनी ऑरा को क्लीन कर सकते हैं। सुबह शाम कभी भी कर सकते हैं, फीलिंग के साथ करेंगे, किसी भी सिचुएशन के लिए, किसी पर्सन के लिए, किसी भी चीज को। आपको अगर लाइफ में ऐसा हो रहा है, दिक्कत आ रही है, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। और लाखों लोग इसका फायदा उठा रहे हैं, इसका आजकल इसको काफी बहुत लोग इसको कर रहे हैं। और मैंने खुद भी इस प्रेयर को जितनी बार भी कहा है, मुझे इसके मिरेकुलस चेंज मेरे अंदर मास्टर्स हम 10 मिनट्स के लिए एक वो मेडिटेशन करेंगे, जिससे कि आपको ये होपोपोनो प्रेयर हम कर सकेंगे। तो आप सभी आंख बंद करेंगे और हम ये प्रेयर करते हैं। जैसे आनापानासति ध्यान के लिए हम बैठते हैं, वैसे ही बैठेंगे, अपनी आंखों को बंद करके, क्रॉस करके उंगलियों को, पांव को क्रॉस करके, और अपनी सांसों के साथ जुड़ जाएंगे। कोई भी चिंता नहीं, कोई विचार नहीं, अपनी सांसों को देखते रहें। एकदम सरल, सहज, स्वाभाविक सांसें। पहले हम खुद को माफ करेंगे, मैंने किसी अपने आप को जो भी तकलीफ दी, किसी के लिए कोई विचार आया, मैं अपने आप को माफ करूं। मैंने अपने आप को गलत समझा, नेगेटिव दूसरों के प्रति मैंने विचार आया। अपने मन को शांत करें, पूरी तरह से रिलैक्स हो जाएं, और जिस किसी व्यक्ति से आपका मन नहीं मिलता हो या कोई ऐसी बात हो गई, से भी याद करके आप सामने बैठा कर सोच कर उसको आप उससे माफी मांग सकते। जिससे आप नाराज हैं, क्या चल रहा है आपके अंदर, ऐसा क्या विचार आ रहा है, देखें अपने आप को, देखते रहें। कोई इमोशन ऐसा जो आपने दबा के रखा हुआ है, निकलने दें बाहर, उसको दबाए नहीं। जो भी किया उसने आपके साथ, रोना आ रहा है तो आने दीजिए, कोई भी इमोशन को रोकेंगे नहीं। अब देखते रहें, अपनी सांसों से जुड़ जाएं।
जीसस ने कहा है, इन सबको माफ कर दो, तो हम क्यों नहीं कर सकते? माफ करें, अपने आप को रिलीज करें। जिसने गलती की है वो खुद नहीं जानता उसने क्या किया। आई फॉरगिव यू, मैं तुम्हें माफ करता हूँ। महसूस करें अपने अंदर प्रेम को, शांति को। आंखें नहीं खोलेंगे मास्टर, बिल्कुल फील करते रहें। निकल जाने दीजिए, आज पूरा खाली कर दें अपने अंदर जो भी आपने दबा रखा है, फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा। अपने दिल के अंदर अपने हार्ट चक्रा को ओपन करें। लव वाइब्रेशन सेंड करें। अपने हार्ट को बड़ा होते हुए देखें। जब हम अपना हार्ट बड़ा करेंगे, हार्ट चक्रा, तो आसान हो जाएगा हमारा, सरल और सहज हो जाएंगे। कुछ भी हुआ है, कैसा भी, माफ कर दो। मैं सभी को माफ कर दिया है, मैंने सभी को माफ कर दिया। कभी भी, किसी भी जन्म में, कभी भी, किसी भी वक्त, सारी गुस्सा, नफरत, शिकायत, जो भी है, सब माफ कर। अपने अंदर उस डिवाइन एनर्जी, लव एनर्जी को बढ़ते हुए देखें। अपने ऑरा को क्लीन होते हुए देखें। आपका ऑरा क्लीन होता जा रहा, आपकी वाइब्रेशंस बढ़ रही हैं, फील करें। देखिए आपके जीवन में कितना परिवर्तन आता जा रहा है। हमें भी बुद्ध बनना है, महावीर बनना है। हम भी सबको माफ करते जा रहे हैं, हमारा ऑरा बढ़ता जा रहा है। हम बुद्ध, महावीर की तरह बनते जा रहे हैं। हमारा हृदय चक्र विशाल और विशाल और विशाल होता जा रहा है। इसमें हमारे ही फायदे हैं। फॉरगिवनेस इज नॉट फॉर अदर्स, इट इज फॉर अस। इट गिव्स अस पीस। शांति महसूस करें, अपने आप को हल्का महसूस करें। बने रहें और 2 मिनट इस शांति के साथ मास्टर्स। ध्यान से बाहर आने की तैयारी करेंगे। एक गहरी लंबी सांस लें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मास्टर।
वापिस आ जाए। जी आप लोग कोई कुछ अपना जो हमने प्रोसेसिंग किया है अगर कोई शेयर करना चाहेंगे। रमेश जी ने कुछ कहना चाहते हैं? जी रमेश, हाँ मैडम, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। ये क्षमा करने का जो सिस्टम हिंदू माइथोलॉजी में ही क्यों होता है, और किसी धर्म में क्यों नहीं होता? जैसे पिछली बार राजस्थान के अंदर केस हुआ, पूरा देश उबल गया, तो क्या हमें उनको भी माफ कर देना चाहिए? एक 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 सिंपल सा क्वेश्चन है कि हिंदू माइथोलॉजी में ही क्षमा वाणी क्यों होती है? और जीसस मुझे ने भी मुझे तो किया है, जीसस ने भी तो किया है, क्रिश्चियंस में भी तो है। क्रिश्चियन में तो है, वो तो जब उसको ईसा को मतलब उनको ये क्रूस पे लटकाया गया था तब बात और थी, लेकिन आज के समाज में क्षमा करना, एक आपको नहीं लगता कि एक भी ठीक है आपने मेरे साथ गलत किया मैंने आपको माफ कर दिया, तो दूसरा समझता है कि ये बंदा डरपोक है, वो उसके ऊपर हावी हो गया। ये सवाल आपका सही है, क्योंकि हम ऐसा सोचते हैं कि हम कमजोर हैं या हम डरपोक हैं। ये कुछ जगह देखिए, इस चीज के लिए मैं ऐसा कहूंगी कि जो समाज में जो सब चल रहा है उसके लिए हमें या किसी से लड़ना तो है नहीं है। हम उनके प्रति अगर ऐसी भावना रखेंगे, क्योंकि आज आपने अगर स्पिरिचुअल स्पिरिचुअलिटी में आप हैं तो आपने सोल्स के बारे में पढ़ा होगा, 7 टाइप्स ऑफ सोल्स या सोल जर्नी समझा होगा, क्योंकि हर तरह की सोल है, ठीक है, और वो किस जगह है, वो जो आज वो कर रही हैं, अगर वो लड़ भी रही हैं, मारकाट मचा भी रही हैं, या खाने पीने के लिए लड़ रही हैं, समाज के लिए लड़ रही हैं, वो ईगो के लिए कर रही हैं, वो किस स्टेज पर आके कर रही हैं। यहाँ आप उस चीज से बाहर आ चुके हैं, लेकिन आप मैडम, उनसे लेकिन आगे हैं, लेकिन हम उनको माफ नहीं है तो आप क्या करेंगे? आप उनसे लड़ने जाएंगे? यही तो नहीं स्पिरिचुअलिटी में और भौतिक जीवन में यही तो डिफरेंस होता है सर। मैडम, अगर देखिए हम आज इसको समझ पा रहे हैं तो हम उनको जज ना करें। नहीं, जज ना करें तो स्पिरिचुअलिटी हमें यही सिखाती नहीं, स्पिरिचुअलिटी हमें ये सिखाती है, जब कोई पॉपुलेशन एकदम से हावी हो जाती है दूसरी पॉपुलेशन, तब भी आप कहेंगे कि उनको माफ कर दो? है। यहाँ तो देखिए, ये मेरे मैं तो यही कहूंगी कि हम अपने विचारों से उनको माफ कर दें, क्योंकि वो जो कर रहे हैं उनको उसका ज्ञान नहीं है, वो क्या कर रहे हैं, वो आगे भी वही, उनको उसका फल तो भुगतना ही पड़ेगा। मैडम देखिए, जो फल भुगतने की जो थ्योरी है ना हमारे हिंदुस्तान में, कि जैसे कर्म करोगे फल भुगत तो जाएगा, बस हम वही सीखे और हम आपको वही बता रहे हैं, क्योंकि हमें पत्री सर ने जो हमें सिद्धांत बताए हम वही यहाँ पे प्रचार कर। ठीक है मैडम, चलिए ठीक, थैंक यू। थैंक यू। नमस्ते मैडम। हाँ जी, नीतू नमस्ते। मैम, आप जो बोल रहे हो उसके ऊपर मैं बता रही हूँ अपना एक्सपीरियंस। मैम, अगर रिसेंट 5 years बैक मेरे को बहुत मतलब कि एक बीमारी हुई, जो जिस डॉक्टर के पास जाऊँ कहते कि आपको एनजाइटी है, एनजाइटी है, और मेरे को मेमोरी में कुछ भी ऐसा नहीं है कि मतलब मेरी फैमिली सब हैप्पी है, एवरीथिंग इज फाइन, बट स्टिल वो कहते कि एनजाइटी है। जहां जाऊं, मैंने ऐसे कोई डॉक्टर को नहीं छोड़ा, मेरा पूरे हाफ बॉडी में पेन होता था। फिर हम लोग, मेरी फैमिली ने, मेरे फ्रेंड सबने मदद किया, ढूंढते ढूंढते ऐसा समझा, वो मेरे को कहते थे कि डॉक्टर्स कहते थे कि आपके मतलब कि कोई चाइल्डहुड का ट्रॉमा होगा, कुछ होगा जिसकी वजह से आपको ये बीमारी हुई है। फिर बाद में मेरी फैमिली ने, मेरे फ्रेंड्स ने बहुत मदद की, फिर जाके मेरे को मतलब कि लाइक व्हेन आई वाज 22 years ओल्ड, नाउ मैं 47 की हूँ, दैट टाइम एक ट्रॉमा हुआ था, उसका इम्पैक्ट इतना था कि वो एनर्जी को मैंने पकड़ के रखा था, जो आज आप बात बता रहे हैं, तो उससे मेरे पूरे बॉडी में इतना पेन, मैंने स्टिल मैं अभी पेन में ही हूँ, बट अभी काफी ठीक हो गया। जब तक जब रियलाइज किया और उसके ऊपर काम किया, तो ग्रेजुअली धीरे 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 ये पेन पेन कमते जा रहे हैं।
हाँ अपने आप ही धीरे ये क्योंकि धीरे धीरे ये आपका सब बहुत बीट हो रहा पुराना है हो गया है, बहुत पुराना हो गया है, राइट तो नाउ। उसको हाँ अगर आप उस पर काम कर रहे हैं तो वो धीरे धीरे चला जाएगा। ये एक सेम एक्सपीरियंस मेरा भी ऐसा है, क्योंकि मेरा बहुत पास्ट लाइफ का था, मैं जब देखती थी, मैंने एक बार ध्यान करते समय देखा था, और मेरा बचपन से था वो, और मैं उसको समझ नहीं पा रही थी उसको कैसे। मेरे को स्पिरिचुअलिटी में आने का, जब मैं सोल कोच प्रोग्राम करने के लिए हैदराबाद गई, वहां मैंने मेडिटेशन में देखा, मुझे तब पता चला कि मेरा कोई है जिससे मैं निकल नहीं पा रही, जबकि हमें पता भी नहीं था। मैं परेशान थी, आज मेरी भी उम्र 50+ है, लेकिन मैं भी उससे नहीं निकल पा रही थी, क्योंकि मुझे पता नहीं था वो मेरी प्रॉब्लम कहाँ से आई है। और जब मैं मेडिटेशन में आई, मैंने सोल कोच सेशन किया, वहां मेरा देखा मेरा एक ट्रॉमा था, और उसको मैंने अभी कुछ दिन पहले ही, सोचिए आज मैं इतने दिन तक मैं ध्यान करती रही, मेरे पास और बाहर निकल रहा था वो, मैं निकल निकल के आ रहा था, ऐसा लग रहा था मैं और ज्यादा उससे गिरती जा रही हूँ, यानी वो चीज अंदर दबी हुई थी वो ऊपर आने लगी थी, और मैं दिन पे दिन मेरी परेशानियां बढ़ रही थी। मैं सोचती थी ध्यान में आने के बाद मेरे को और ज्यादा बढ़ क्यों गया, क्योंकि वो निकलना चाहती थी, और मैं जब उससे निकली हूं तो मैं बहुत फ्री हो गई। तो ये चीजें हम जब समझते हैं, इन चीजों को अपने आप पे हमें काम करना है, कि देखिए मेडिटेशन हमें क्या सिखाता है, स्पिरिचुअलिटी हमें सिखाती है खुद पे काम करना है, हमें दूसरों को नहीं देखना। हम जितना मैं समझी हूँ, तो मैं जब खुद अपने ऊपर काम करूंगी या मैं खुद को परिवर्तन लाऊं, क्योंकि हम समाज को बदलने के लिए जाएंगे, या जैसे अभी यहाँ पे एक जो उन्होंने शेयर किया कि हम उनका क्या करना है, हमको यहाँ स्पिरिचुअलिटी हमें आध्यात्मिकता सिखाती है, हमें खुद को देखना। अगर गीता का ज्ञान भी है तो वहां पे भी उन्होंने कहा था उद्धरे आत्मने आत्मानाम, अपना उद्धार स्वयं करना है, ये नहीं कहा है कि अगर आपके ऊपर कोई तल आपको अगर कोई मारने आ रहा है तब आप अपना कर सकते हो, लेकिन यहाँ हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपको कोई मारने आ रहा है तो मर जाओ, लेकिन अगर कोई कर रहा है तो हम उसको, अगर उसके कर्म है, वो जो कर रहा है उसको गीता में ज्ञान भी दिया है, हम उसको गहराई पे जाके समझें। ये नहीं कहा है उन्होंने कि आप जाके जैसा जिसने किया हम उसके संग वैसा ही शस्त्र ब्रह्मास्त्र हम भी उठा लें, अस्त्र शस्त्र हम भी उठा लें, ऐसा नहीं कहा। उन्होंने ये भी कहा है कि आपको अपना उद्धार स्वयं करना, तो हमें किस समय क्या देखना है वो हमें देखना, और अब मैं जितना समझ सकती हूँ मैं उतना आपसे शेयर। थैंक यू नीतू जी। थैंक यू मैम। तो सर रंगनाथ सर हैं और कोई सर सेशन एंड करें क्या, या कोई और भी प्रश्न है? यहाँ इन्होंने यही किया है कि हमको किसी के लिए ऐसा नहीं है कि हम मरने कटने के आगे, जीजस ने भी कहा था कि आप वो तैयार हो, आज वो समय नहीं है, लेकिन तब हम अपना बचाव करें, है ना, हमें अपना बचाव तभी करना। मैं भी यही कहूंगी कि हमें अपने बचाव के लिए हमेशा तैयार, तो हम सीखें अपने अपने लिए हमें करना, अपने के लिए अपना उद्धार करना है, अपने आप को बचाना है, अपने आप को कैसे जीवन खुश रखना है। हमें ध्यान सिखाता है आर्ट ऑफ लिविंग, जीवन जीने की कला। थैंक यू सर, थैंक यू सुमित्रा जी। ओके मैम, थैंक यू ऑल ऑफ यू मैम मास्टर, हमारे साथ बने रहने के लिए। तो मैम बहुत अच्छा ध्यान और बहुत अच्छा ज्ञान दोनों ही आपके, बहुत थैंक यू, अच्छे हैं। थैंक धन्यवाद। यू उसके लिए, धन्यवाद आपका, बहुत 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 धन्यवाद सभी मास्टर्स का जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं ध्यान में। तो आज का हम अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं मास्टर, फिर कर मिलते हैं इसी समय। ओके थैंक यू मैम, थैंक यू ऑल ऑफ यू थैंक यू, मास्टर, थैंक यू, थैंक थैंक यू, यू थैंक एवरीवन। यू, थैंक यू।